नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीके का नया टॉपिक महाराणा सांगा। महाराणा सांगा या राणा सांगा, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राणा सांगा या महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ था। तो राणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को। 12 अप्रैल 1482 को महाराणा सांगा का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था रायमल था इनके पिता का नाम। माता का नाम रतन कुंवर इनकी माता का नाम था। राणा सांगा का राज्य अभिषेक, जो कि राज्य का अभिषेक हुआ था, वो हुआ था 24 मई 1509 को। राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो 24 मई या राज तिलक 24 मई 1509 को हुआ था। राणा सांगा जब शासक बने थे उस समय दिल्ली का शासक या दिल्ली में राजा थे वो थे सिकंदर लोदी, लोदी वंश। तो राणा सांगा ने अपने जीवन में जो युद्ध किए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं खातोली बूंदी का युद्ध। खातोली पड़ता है बूंदी। यह युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली के थे, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातोली यानी बूंदी का युद्ध हुआ था। वह हुआ था 1517 में। उसमें राणा सांगा जो कि विजय प्राप्त हुए थे। विजय किसको प्राप्त हुई थी? तो राणा सांगा को प्राप्त हुई थी खातोली या बूंदी के युद्ध में। राणा सांगा ने 5 युद्ध लड़े थे जिनमें 4 जीत गया था, 1 हार गया था अंतिम वाला, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा है जो कि बांडी का युद्ध है। बांडी पड़ता है धौलपुर में। ये युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध हुआ 1717 के बाद में 1718, एक साल बाद 1718 में हुआ था यह युद्ध। बांडी का युद्ध हुआ था 1718 में। किनके मध्य हुआ था? वही हुआ था इब्राहिम लोदी के मध्य और राणा सांगा के मध्य। वहां पर इब्राहिम लोदी हार गया था। उसने दोबारा युद्ध किया राणा सांगा से। इसमें भी क्या होता है? राणा सांगा जो कि विजय प्राप्त करता है, इब्राहिम लोदी जो कि हार जाता है। परंतु इब्राहिम लोदी की सेना का जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं? 2 सैनिक है इनके सेनापति हैं। इन्होंने इब्राहिम लोदी का जो कि सेना का नेतृत्व किया था, पहला है मियां हुसैन, दूसरा है मियां माखन। ये दोनों ने इनकी सेना का नेतृत्व किया था इब्राहिम लोदी की। बांडी का युद्ध भी राणा सांगा ने जीत लिया था। अब तीसरे युद्ध की बात करते हैं, गागरोन का युद्ध। राणा सांगा वर्ज मोहम्मद खिलजी। गागरोन का सब युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1519 में। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। राणा सांगा और महमूद खिलजी जो कि मालवा के शासक थे, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। राणा सांगा ने जो कि मेदिनी राय की मदद हेतु यह युद्ध लड़ा था मोहम्मद खिलजी के साथ। इसमें क्या होता है? राणा सांगा जीत जाता है और मोहम्मद खिलजी जो कि मालवा के शासक थे वो हार जाते हैं। तो तीसरा युद्ध भी गागरोन का युद्ध है जो कि राणा सांगा जीत जाता है। उसके बाद में बात आती है बाबर की। बाबर भारत आता है और युद्ध लड़ता है। तो बाबर सबसे पहले भारत में आया और प्रथम युद्ध लड़ा था इन्होंने, पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत पड़ता है हरियाणा में। पहला युद्ध हो गया 1526 में। पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में जो कि बाबर ने लड़ा था। उसके बाद में किसके साथ लड़ा बाबर ने? तो बाबर ने लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ जो कि दिल्ली के शासक थे। बाबर इसमें जीत जाता है और इसमें भारत में जो कि मुगल वंश की नींव रखी जाती है, भारत में मुगल वंश की नींव बाबर के द्वारा रखी जाती है, बाबर इसमें विजय हो जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत बाबर संभालता है
तो अब दूसरा युद्ध आगे देखिए, ये युद्ध होंगे बाबर के साथ। तो बयाना का युद्ध, बयाना पड़ता है भारत भरतपुर में 15 फरवरी 1527 को, 15 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। किनके मध्य हुआ? राणा सांगा और बाबर, राणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध हुआ था। इसमें विजय कौन प्राप्त करता है? तो विजय प्राप्त होती है राणा सांगा को, राणा सांगा इसमें विजय प्राप्त करता है। बाबर बयाना के युद्ध में हार जाता है। इसके बाद में बाबर हार नहीं मानता और यह फिर से युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो उसके बाद में युद्ध आता है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा पड़ता है भरतपुर में 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। किनके मध्य होता है? राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। इसमें क्या होता है, इस युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर विजय होता है। यह निर्णायक युद्ध था, इसमें बाबर विजय हो गया और राणा सांगा हार गया था। खानवा जो कि पड़ता है गंभीरी नदी के किनारे, अगर पूछने खानवा कहाँ पड़ता है तो गंभीरी नदी के किनारे है खानवा। पाती पर्वण, खानवा के युद्ध में जो कि राजपूत राजाओं को पत्र लिखकर राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, उसे बोलते हैं पाती पर्वण बोलते हैं। इस प्रथा को बोला पाती पर्वण प्रथा। राणा सांगा की सेवा में हरावल सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती ने किया था। अगर पूछ लें कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, मुस्लिम सेनापति, तो वो थे हसन खां मेवाती, हरावल सेना का नेतृत्व किया था। महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, मालदेव और मैदेनी राम खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पक्ष में लड़े थे। ये चारों राणा सांगा की पक्ष में लड़े थे। वैसे खानवा के युद्ध में आमेर सेना का नेतृत्व किया था पृथ्वीराज कछवा ने, मारवाड़ के मालदेव, बूंदी के नारायण राव, सिरोही के अखिलराज देवड़ा प्रथम, भरतपुर के अशोक परमार, बीकानेर के कल्याण बल, चंदेरी के मैदेनी राय, मेड़ता के रायमल राठौर, डूंगरपुर का राव उदय सिंह थे। इन्होंने राणा सांगा की तरफ युद्ध लड़ा था। अब खानवा के युद्ध में बाबर की बात करते हैं, तो बाबर ने जो खानवा का युद्ध था उसे बोला था जेहाद का युद्ध। जेहाद बोलते हैं धर्म युद्ध, धर्म युद्ध बोला था, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का युद्ध जेहाद का युद्ध कहा था। खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने जो कि गाजी की उपाधि धारण कर ली थी और मुसलमानों से, जो कि मुसलमान थे, उनको बोला कि मैं अगर ये खानवा का युद्ध जीत गया तो आपसे तमगा कर माफ कर दूंगा। ये कर इन्होंने माफ कर दिया, तमगा कर माफ कर दिया। खानवा के युद्ध में झाला अज्जा, झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज्य चिन्ह व मुकुट लेकर सांगा की सहायता की थी। खानवा के युद्ध में जो कि राणा सांगा घायल हो गए थे, तो झाला अज्जा ने उनका जो कि राजतिलक, जो कि राज्य चिन्ह है और मुकुट लेकर सांगा की सहायता की और झाला अज्जा है जो कि बलिदान दे दिया था इन्होंने। अब बात करते हैं राणा सांगा की मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1528 में कालपी उत्तर प्रदेश में हो गई थी। राणा सांगा की छत्री भीलवाड़ा में पड़ती है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छत्री पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।